हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, टाटा हैरियर ईवी को अगले साल 2024 में बिक्री के लिए लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, इस वाहन में जनरेशन 2 ईवी आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, कंपनी ने अभी इसकी ड्राइविंग रेंज को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये एसयूवी सिंगल चार्ज में 400 से लेकर 450 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। दोस्तों, टाटा मोटर्स अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो को और मजबूत करने में लगी हुई है और कंपनी ने ऑटो एक्सपो के दौरान अपनी मौजूदा एसयूवी हैरियर के नए वेरिएंट वर्जन को पेश किया था। दोस्तों, अब इस इलेक्ट्रिक एसयूवी के लॉन्च टाइमलाइन से जुड़ी कुछ खबरें सामने आई है, जिसके अनुसार इसे अगले साल 2024 में बिक्री के लिए लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे होगी नई टाटा हैरियर ईवी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ढेर सारी मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हमारा आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि हैरियर ईवी में जनरेशन 2 ईवी आर्किटेक्चर का इस्तेमाल होगा। दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी में 60 किलोवाट पर आवर की बैटरी का उपयोग किया जाएगा, जो कि 400 से 450 किलोमीटर तक रेंज देगी। हालांकि कंपनी ने अभी इसकी असल ड्राइविंग रेंज को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। दोस्तों, वहीं टाटा हैरियर ईवी में सेफ्टी फीचर्स पर खास ध्यान रखा जाएगा। दोस्तों, इस कार में 360 डिग्री कैमरा, एडास सिस्टम, प्लैंक्ड ऑफ ग्रिल, एक नया बम्पर और त्रिकोणीय आकार के हैंडरैम क्लस्टर, रियर की तरफ एलईडी टेल लाइट्स और ट्विड स्किड प्लेट के साथ एक नया रियर बम्पर, बूट डोर पर एक एलईडी लाइट बार दिया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा इस एसयूवी में नई डिजाइन के डुअल टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। दोस्तों, टाटा हैरियर ईवी इंटीरियर में 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलेगा। दोस्तों, एसयूवी पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नए डिजाइन वाले कंसोल के साथ आएगी। दोस्तों, इसमें डुअल टोन अपहोल्स्ट्री सीटें भी मिलेंगी। दोस्तों, कंपनी ने टाटा हैरियर ईवी का प्रोटोटाइप पिछले साल अगस्त में ही दिया था और माना जा रहा है कि हैरियर ईवी का कंपटीशन महिंद्रा एक्सयूवी 800 से होगा। दोस्तों, महिंद्रा एक्सयूवी 800 को भी 2024 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है और दावा किया जा रहा है कि दोनों एक्सयूवी एक जैसे बैटरी रेंज के साथ आएंगी, जिसमें AWD के साथ डुअल मोटर सेटअप दिया जाएगा। तो दोस्तों, हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे और भी ढेर सारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं हमारे नए वीडियो में।